वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली 70.95 पे ट्रेडिंग कर रहा है, मीन्स तकरीबन 2.65 पैसे अप है। आज के दिन 3.88% अप है तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक को सुबह में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट भी लग चुका था, पर रिसेंटली देख सकते हो कि एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक ने सुबह में ओपन होते 70 लेवल को ब्रेकआउट देकर एक अच्छी मूवमेंट की थी, पर वहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पे फिर से गिरावट नजर आ चुके। तो करंटली 70 लेवल के ऊपर आज सेटल होता है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक। तो कल यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 लेवल भी देखने को मिल सकती है एचएफसीएल लिमिटेड में। तो करंटली एचएफसीएल लिमिटेड आज ओपन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 68.95 पे हाई बनाया था 73 का और लो बनाया था 68.85 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 9.76,000 करोड़ की मार्केट कैप है और पी रेशियो है 27.89 का। डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो 0.21% के, और पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हो, बहुत सी गिरावट हो चुकी थी पर आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, पर करंटली यहाँ पे फिर से गिरावट नजर आ चुकी। 1 मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे गिरावट ही नजर आ चुकी है 11% से तकरीबन। यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है तकरीबन। आज यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर की लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज उसका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक। वहाँ पे रेजिस्टेंस लगने के बाद फिर से गिरावट हो चुकी थी एचएफसीएल स्टॉक के अंदर। करंटली आप ये देख सकते हो नीचे 68 to 1670 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है, वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत समय से सपोर्ट लेता हुआ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट मिलता है, आज भी सेटल होता है 70 के ऊपर और ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एचएफसीएल लिमिटेड स्टॉक के लिए।